काफ़ी टाइम से इंडियन रेलवे में ट्रैवल करने के बाद भी शायद जनरल कोच ढूंढने में अभी भी परेशानी होती होगी, राइट गाइस? देन वॉच दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइस। इट्स बंस एंड यू आर वॉचिंग बंस फ्री स्टाइल व्लॉगर। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइज, जनरल कोच ढूंढने में परेशानी होती है, ये गलती से रिजर्वेशन कोच में चले गए हो और टीसी ने पकड़ लिया। यस, टिकट चेकर ने पकड़ लिया एंड आप बोल रहे हो लाइक मुझे पता ही नहीं था ये रिजर्वेशन है। अब आपको फाइन भरने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो गाइस, जनरल कोच को हेल्प सर्च करने में सिर्फ 3 मेथड्स है। बहुत ही सिंपल वे में आप इसको यूज़ कर सकते हो टू फाइंड अ जनरल कोच। फर्स्ट मेथड इज इजी मेथड, द मोस्ट इजीएस्ट। आप देख सकते हो काफ़ी जनरल कोचिस में 3 डोर्स होते, 3 दरवाजे होते। यस गाइस, वो 3 डोर्स इसलिए होते हैं कि ज़्यादा पीपल चढ़ते एक साथ तो इजीली आप अंदर एंटर कर सकते हो, इजीली आप बाहर आ सकते हो, ठीक है? फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड, हर एक जनरल कोच में 3 डोर्स हो ये कंपलसरी नहीं है, इसलिए सेकंड मेथड है। बहुत इजी है, आप ये इमेज चेक करिए। आप इमेज में देख सकते हो कि ऊपर येलो डैश लाइन दिख रही होगी आपको, बस उतना ही है ना, इजी। बस उसको देखिए, जिसमें रहेगा वो स्लैश येलो लाइंस, वो जनरल कोच है। सो इजी, पता नहीं था ना, अब पता चल गया। अब कोई फाइन भरना नहीं है आपको। थर्ड वे इज़ स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड है बट याद रह सकता है। आप ये इमेज देखिए, ये इमेज में आप देख सकते हो कि 3 डिजिट्स, राइट गाइस? जो लास्ट के 3 डिजिट, आई मीन 5 डिजिट्स है बट लास्ट के 3 डिजिट्स है, वो कोच को आइडेंटिफाई करता है। जबकि फर्स्ट 2 डिजिट आइडेंटिफाइज विच ईयर द ट्रेन हैज़ स्टार्टेड, मतलब ट्रेन जब वो कोच आया था इंडियन रेलवे प्लेटफॉर्म पे तो कब आया था, वो ईयर मेंशन किया है फर्स्ट 2 डिजिट्स में, ठीक है? एंड जो लास्ट 3 डिजिट्स है वो आइडेंटिफाई करता है कि कोच कौन से टाइप का है। लाइक 1 to 200 इज़ फॉर AC कोच, राइट? सो इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। 400 से 600 जो डिजिट है, लास्ट 3 डिजिट्स, वो जनरल कोच के लिए होता है। यस गाइस, फिर भी आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लेट मी टेल यू, फर्स्ट 200 डिजिट इज़ फॉर AC कोच, 200 से 400 डिजिट रहता है वो स्लीपिंग कोच के लिए होता है, स्लीपर कोच। एंड 400 से 600 जो होता है वो जनरल कोच के लिए होता है, एंड 600 to 700 चेयर कार्स के लिए होता है। 700 to 800 इज़ लाइक फॉर लगेज एंड ऑल दैट कोच। सो इसको नोट डाउन करिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। एंड यस, आज के बाद आपको फाइन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दिस वॉज द वेरी इजीएस्ट वे टू फाइंड द जनरल कोच। अगर ये चेंज नहीं हुआ तो ये यूज़ में आएगा आपके, बिकॉज द इंडियन रेलवेज आर मीन्स डेवलपिंग सो मच। एंड वन मोर थिंग, जनरल कोच हमेशा हमेशा ही फर्स्ट या तो फिर लास्ट, आई मीन आफ्टर इंजन फर्स्ट एंड सेकंड, और बिफोर लास्ट गार्ड कोच फर्स्ट और सेकंड फ्रॉम द लास्ट। बस इसको लास्ट में दो एंड पे होते हैं, उसका रीज़न है गाइस, क्योंकि अंदर जो स्लीपर होता है, स्लीपर कोच, AC कोच वगैरह, वो पेंट्री कार से भी अटैच होता है, जहाँ पे कुकिंग्स वगैरह होता है, फूड सप्लाई वगैरह होता है, तो उसके लिए इंटरनली लिंक होते वो, तो उसी वजह से जनरल कोच को सेपरेटली प्लेस किया जाता है, सो दैट जो अंदर के कोचिस हैं वो एक दूसरे से लिंक रहते हैं। सो दिस इज़ द मेन रीज़न। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही काम लगेगी, एंड आपको अभी कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बिंदास जाइए, रेलवे में ट्रैवल करिए एंड फाइन मत भरिएगा आपसे। थैंक यू गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड आई विल बी ब्रिंगिंग मोर इन्फॉर्मेशन टू यू गाइस। और भी इन्फॉर्मेशन आएगी जिससे आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू विल एन्जॉय योर डे।
एंड व्हाट एल्स, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।